तो दोस्तों ये है वो मेरी साठ की साठ वीडियोस। सो आई होप आपने देखा होगा कि मेरी साठों वीडियोस के बाद अगर आज भी मैं खड़ा हूं तो यस मैं उन साठों से आज 61 अगर भी बना रहा होता तो ये मेरी इंप्रूव्ड वीडियो होती इंप्रूव्ड हर मायनों में हो सकती है वो आज इस वीडियोस में मैं बताऊंगा सीरीज़ की ये नेक्स्ट वीडियो है मैंने कहा थोड़ा सा आपको समझाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि एज अ स्टार्टिंग में हम क्या करते हैं हमने जो मोबाइल से पहली वीडियोज़ बनाई वही अपलोड कर देते हैं इनफैक्ट कई यूट्यूबर्स आपको ये सजेस्ट करते हैं कि भाई साहब आपने इतनी गंदी वीडियो बना लिया कोई बात नहीं डालो यार यूट्यूब पर डालो तो सही जब तक डालोगे नहीं आगे कैसे बढ़ोगे मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एज अ कॉन्टेंट क्रिएटर मुझे एज अ ट्रेनिंग में चार साल हो गए हैं और यह सिखाते सिखाते मैंने किया कि भाई साहब हमारे पास समय की कमी नहीं है अगर हमने एक वाहियात से अपनी वीडियो बना ली है तो क्यों ना उस वीडियो को छुपाना चाहिए जो हमने गलती करी वो मैं आपसे क्यों करवाऊँ जो काम मैं 2016 में कर रहा था वही इम्प्लीमेंट वही थ्योरी वही प्रैक्टिकल आज 2023 जब आने वाला है मैं आपको क्यों सिखाऊँ कुछ अलग तरीका होना चाहिए तो अलग ये है कि आप अपनी पहली वीडियो कैमरे क्या, से मोबाइल से बनाई बोया से विदाउट माइक लगा के जैसे भी आपने बनाया हो बनाने के बाद उसको खुद देखिए चार बार देखिए पहली वीडियो आपको अच्छी लगेगी अरे बड़ा अच्छा बोल रहा हूं उसके बाद एक पेपर लीजिए पेपर लेने के बाद आपको नोट डाउन करना है पॉइंट 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 नंबर 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 कि सर जी ये पॉइंट से मैं और क्या इंप्रूव कर सकता हूं अगर आप अपनी पहली वीडियो में गलती निकालने बैठे ना तो तकरीबन सौ गलतियां आप निकाल पाओगे और वो हंड्रेड मिस्टेक आपकी सेकेंड वीडियो में ठीक नहीं होगी क्योंकि कुछ ऐसी मिस्टेक है जैसे आप नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है कट नमस्कार दोस्तों बोलते हुए निकलोगे अब लगा नहीं यार ये बोलना नहीं चाहिए बीच बीच में तो आप पॉज लेके जाओगे ऐसे हाय एवरीवन आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं तो ये गैप आप पहले दूसरी वीडियो से सीख जाएंगे लेकिन जो लाइटिंग का सेटअप है जो भी मेरी लाइट्स देख रहे हैं कितना अच्छा मतलब मेरा चेहरा इतना अच्छा नहीं है आई होप आप बताएंगे कमेंट्स में लेकिन लाइट लगा ली कैमरा लगा लिया मैंने माइक लगा ली बोया माइक लगा लिया या फिर कोई लैपल माइक लगा लिया ऐसे आज आज मैंने तकरीबन हज़ारों वीडियोस बना दिए तो आज मैं रोड का माइक यूज़ करता हूँ वायरलेस है आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कहाँ है क्या सारी चीज़ें है ना स्टूडियोज़ बना दिए मैंने ये कैसे बनाया ये एकदम से पैसे की बारिश हुई नहीं वीडियोस बनाता गया बनाता गया बनाता गया कहते हैं बूंद बूंद से घरा बढ़ता है और आज वो चीज हमने बना डाली सब कुछ स्टूडियोज हैं माइक है कैमरे हैं अलग अलग कैमरेज हैं लाइक क्रोमा पे शूट करने का अलग है डिजिटल बोर्ड पे शूट करने का अलग है ब्लॉगिंग का अलग है ड्रोन शूट के लिए अलग है अलग अलग चीज़ें इक्विपमेंट्स बना ली क्यों ये सिंपल एक थ्योरी आप समझिए वीडियो बनाता गया और इंप्रूवमेंट ढूंढता गया कि कहाँ मैं इंप्रूवमेंट कर सकता हूं इस वीडियो का सिर्फ एक ही मतलब है कि मोबाइल से जैसी मर्जी वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड मत करिएगा पहली वीडियो बनाइए देखिए दूसरी वीडियो बनाइए देखिए कम से कम एट लिस्ट जो मैंने पांच वीडियो दिखाया ना आपको फर्राटे में पांच वीडियो बनाने के बाद छठी वीडियो सेम टॉपिक पे छठी वीडियो बनाने को डालिए यूट्यूब पे लोगों को लगेगा ये पहली वीडियो है लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये वीडियो है और मैं बताऊं लोग कहेंगे यार बड़ा अच्छा बनाया अच्छा बनाया तो आप मनी मन पहली और मतलब तो और खराब थी एग्जाम्पल बनाने वाले वॉट टू डू आफ्टर ट्वेल्थ तो इसी कंटेंट को सात बार रिकॉर्ड करिए और जो सातवा है वो बेटर होगा पहले से ये करता। और आप बेटर नहीं करना चाहेंगे तो बार बार क्या मैं लगाएंगे वीडियो बनाएंगे तरीका अपना लीजिए पहला तरीका वही है बोला नोट डाउन करिए पॉइंटर्स की कौन कौन सी मैंने मिस्टेक करी और ये मिस्टेक जब आप ठीक कर लेंगे तो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी फिर आप बोया माइक यूज करेंगे मतलब वायरलेस माइक वायरलेसल बोलते हैं वो यूज करेंगे अब मोबाइल के बाद अगर आप जॉब कर रहे होंगे वर्किंग है आप धीरे धीरे अपने इक्विपमेंट्स इंप्रूव करेंगे पहले आपको लगेगा यार ट्राईपॉड क्या यार कहीं पर भी लगा लेता हूं मोबाइल या माइक फिर धीरे धीरे आपको लगेगा नहीं यार ट्राईपॉड एक इंपॉर्टेंट पार्ट है अपनी वीडियोज का तो आप ट्राईपॉड लगाना शुरू कर देंगे फिर आपको लगेगा कि मैं कैमरे पर इन्वेस्ट करना चाहता हूं मैं देखता हूँ लोग एक कैमरा खरीदते हैं सालों दर साल चलाते हैं जैसे मैं आपको बता दूं मैंने आज से पांच साल पहले कैनन एटी खरीदा था जब मैंने अपग्रेड किया पहले मेरे पास निकॉन का फिफ्टी टू हंड्रेड था है ना? उसके बाद एट्टी डी लिया बड़ा चर्चे में था उसको नहीं करता मेरे पास फुल फ्रेम है कुछ एक लाख रुपए में सारा लेंस लेंस के साथ खरीदा था सो मेक श्योर कि जब आप ये इन्वेस्ट कर देते हो तो ये सालों दर सालों चलती है मतलब इनकी प्राइस घटती भी नहीं मोबाइल फोन नहीं है कि आज आपने खरीदा एक लाख रुपए का और अगले दिन आके इसकी प्राइस हो गई कितने की अरे सर अब तो चालीस हजार में मिल रहा है ऐसा नहीं है कैमरे की प्राइस बहुत सस्टेन रहती है घटती भी नहीं है इनफैक्ट बढ़ ही जाती है तो ये वो इक्विपमेंट्स है मतलब अगर यूट्यूबर्स के इक्विपमेंट के प्राइस घटते नहीं है जल्दी मैं आपको बता दूं चाहे वो माइक हो कैमरा हो ट्राईपोड हो लाइटिंग हो ये जो सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं ये सबके प्राइस बिल्कुल कॉन्स्टेंट होके रहते हैं और बढ़िया रहते हैं तो इन्वेस्टमेंट है ये मैं यह मानता हूं एज अ यूट्यूबर आपका तो सिंपल इस वीडियो का एक ही मेरा मतलब वो था इस सीरीज की वीडियोस का कि आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पहली वीडियो बनानी और अपलोड नहीं कर देनी है उसको पहले अपने में कहता है मूल्यांकन करना है और तब जाके अपलोड करना है साथ में अगर आप ये सब कुछ सीखना चाहते हैं कैमरा अपलोडिंग कौन कौन से हैं किस पे मुझे क्या वीडियो बनाना है तो जो हमारा यूटी मास्टरी कोर्स है उसमें हमने सब कुछ सिखाया हुआ है अलग अलग डिशेस के बारे में वीडियो एडियो टिटोरियल्स के बारे में पूरा मेरे चैनल का पूरा केस स्टडी मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरीके से एनालिटिक्स करा हुआ पूरा सात सालों का पूरा एनालिटिक्स आपको दिखेगा चाहे वो वी मेक का हो महात्मा जी का हो तो सब कुछ हमारे इस यूट्यूब मास्टरी कोर्स में मिलेगा ईयर एंड सेल पर हम इस पर फिफ्टी डिस्काउंट दे रहे हैं तो बस आपको देर नहीं करना है जो नंबर यहाँ पर गिवन है उस पर कॉल करना है काउंसलर से बात करने के लिए या फिर लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है सीधा आप इनरॉल कर सकते हैं तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मैं मिलता हूँ सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद